इस वीडियो में मैं आपको मारुति ग्रैंड विटारा के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही बताने वाला हूं, ताकि आपको ये समझने में काफी आसानी हो जाए कि ये गाड़ी आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। पहले पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं, नेगेटिव्स के बारे में बाद में करेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी। इस मामले में मारुति की लगभग हर किसी गाड़ी की तारीफ है, और वही कहानी इस ग्रैंड विटारा के साथ भी है। इसकी राइड क्वालिटी काफी जबरदस्त लगी, ड्राइविंग डायनेमिक्स काफी बैलेंस्ड हैं, सीट्स काफी कंफर्टेबल है, कुशनिंग काफी अच्छी तरह से की गई है। रही बात सस्पेंशन की, तो वो भी आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है। खराब सड़कों पर यह गाड़ी दचकों को काफी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा फिर मैं चाहे बात करूं स्टीयरिंग की या फिर ग्लव बॉक्स की, दोनों ही काफी लाइट और स्मूथ है। सिटी ड्राइविंग अगर आप ज्यादा करते हैं, ट्रैफिक वगैरह में आपको गाड़ी ज्यादा चलानी पड़ती है, तो ये गाड़ी आपको काफी लाइट और स्मूथ एक्सपीरियंस देगी। इसके अलावा बाहर से देखने में ये गाड़ी काफी बड़ी लगती है, लेकिन जब आप इसे अंदर बैठकर चलाते हो तो उतनी बड़ी ये लगती नहीं है। इसका फायदा यह है कि सक्रिय रास्तों पर या फिर ट्रैफिक वगैरह में काफी फायदा मिल जाता है। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है जो कि इस गाड़ी की यूएसपी है, माइलेज। इसमें सेगमेंट में मिलने वाली डीजल गाड़ियों से भी ज्यादा माइलेज क्लेम किया जाता है। बेस्ट इन सेगमेंट 27.97 के एमपीएल का, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में और स्मार्ट हाइब्रिड में 21.11 और 20.58 के एमपीएल का। इतना जबरदस्त माइलेज सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में क्लेम नहीं किया जाता है, इनफैक्ट कोई भी गाड़ी आसपास तक नहीं है। सेगमेंट से मेरा मतलब है क्रेटा, सेल्टॉस, कुशैक, टाइगुन, किक्स, एस्टर और हेक्टर। पॉजिटिव पॉइंट, ग्राउंड क्लियरेंस। चूंकि ये एक एसयूवी है और एसयूवी में ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी होनी चाहिए, इसकी बेस्ट इन सेगमेंट ग्राउंड क्लियरेंस है 210 mm की। सेगमेंट में किस गाड़ी में कितनी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे कम टाइगुन और कुशैक में मिलती है 188 mm की। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, फीचर्स। इस गाड़ी में कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में नहीं मिल पाते, और कुछ तो ऐसे हैं जो किसी में भी नहीं मिल पाते। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटो हेडलैम्प्स इसमें मिल जाते हैं, लेकिन निसान किक्स में नहीं मिल पाते। 360 डिग्री कैमरा इसमें है, लेकिन क्रेटा, टाइगुन, कुशैक किक्स में नहीं है। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग इसमें है, लेकिन क्रेटा, किक्स और एस्टर में नहीं मिल पाती। पैनोरामिक सनरूफ इसमें मिल जाती है, लेकिन सेल्टॉस, कुशैक और टाइगुन में नहीं मिल पाती। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसमें है, लेकिन एस्टर, हेक्टर, किक्स, क्रेटा, सेल्टॉस, इनफैक्ट हाइराइडर में भी वायरलेस नहीं है, वायर्ड मिलता है आपको। वायरलेस चार्जर इसमें मिल जाता है, लेकिन किक्स और एक्स्टर में नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एलेक्सा कंपेटिबिलिटी मिल जाती है, जबकि सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में यह फीचर नहीं मिल पाता। हेडअप डिस्प्ले इसमें मिल जाता है, लेकिन क्रेटा, कुशैक, टाइगुन, एस्टर, हेक्टर में नहीं मिल पाता। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, ये एक ट्रू एसयूवी है। देखा जाए तो इसकी सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं वो एसयूवी नहीं, क्रॉसओवर है। सब में आपको टू व्हील ड्राइव मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको ऑल ग्रिप फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप सड़क पर चलाने के साथ साथ ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, हालांकि एक ही वेरिएंट में दिया गया है ये ऑप्शन। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट, ये एक मारुति की गाड़ी है, और मारुति की गाड़ी होने के कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि आपको हर जगह पर मारुति का सर्विस सेंटर मिल जाता है, और वहाँ पर अच्छी खासी सर्विस और इसके पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही में 2-3-4 साल चलाने के बाद अगर आप इस गाड़ी को बेचना चाहते हैं तो आपको रीसेल वैल्यू भी काफ़ी तगड़ी मिल जाती है। तो ये थी इस गाड़ी की सारी अच्छाइयाँ। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कमियाँ हैं। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में मिलने वाला स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन सेगमेंट में सबसे कमजोर इंजन है, पावर और टॉर्क दोनों ही मामलों में। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो वो भी सेगमेंट में सबसे कम टॉर्क जनरेट करता है, 141 Nm का। सबसे ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करने वाली गाड़ी है निसान किक्स, 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ 154 bhp पावरफुल और 254 Nm टॉर्क जनरेट करती है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि अगर आप ट्रैफिक वगैरह में इस गाड़ी को चलाते हैं तो काफी लाइट और स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पर ज्यादा स्पीड में चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 90-100 के ऊपर, तो इसकी परफॉर्मेंस काफी एवरेज मिलती है आपको। मैं तो कहूंगा एवरेज से भी थोड़ा नीचे ही मिलती है। सेगमेंट में मिलने वाली दूसरी गाड़ियों में जो टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलते हैं उनकी परफॉर्मेंस के आगे इस गाड़ी की हाईवे पर परफॉर्मेंस काफी पीछे रह जाती है। मतलब कि अगर आप एंथुसियास्टिक हैं, गाड़ी भगाने में मजा आता है, फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। इसके अलावा कम स्पीड तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा स्पीड पर ले जाते हैं तो इस गाड़ी का NVH लेवल भी गड़बड़ करने लगता है। मेरा मतलब है जो इंजन का साउंड है और मोटर का साउंड है वो कैबिन के अंदर तक आ रहा होता है। हालांकि टायर की नॉइज या फिर विंड नॉइज कैबिन के अंदर तक नहीं आ रही होती, लेकिन इंजन साउंड जरूर आ रहा होता है। इस प्राइस सेगमेंट की गाड़ियों में इंजन साउंड कैबिन के अंदर तक आना थोड़ा अच्छा टच नहीं देता। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी के प्राइसेस को सही रखने के लिए काफी जगह पर कॉस्ट कटिंग की गई है, जैसे कि इंटीरियर में जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज हुई है वो काफी हार्ड है, कहीं पर भी सॉफ्ट टच नहीं है। इस तरह की प्लास्टिक क्वालिटी कोई भी कंपनी अपनी सस्ती गाड़ियों में इस्तेमाल करती है, ना कि उस गाड़ी में जो 15-20 लाख रुपए तक की मिल रही हो।
इसके अलावा इसका जो सनरूफ कवर है वो काफ़ी हल्की क्वालिटी का बना हुआ है, सर्विस बुकलेट तक आपको साथ में नहीं मिलती है। जो लॉक सिस्टम है वो भी स्विफ्ट या फिर दूसरी गाड़ियों का वैगनार टाइप का दिया हुआ है उसमें। लॉक की जो आवाज़ आती है वो भी स्विफ्ट और वैगनार जैसी आवाज़ आती है, मतलब कि कुछ कुछ पार्ट्स मारुति ने अपनी पुरानी गाड़ियों से उठाकर यहाँ पर लगा दिए हैं ताकि उनको बनाने में या नए पार्ट्स डिज़ाइन करने में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना हो और गाड़ी के प्राइसेस सही बने रहें। कोई भी कंपनी गाड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स को, खासकर इंटीरियर में यूज होने वाले पार्ट्स को, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बनाती है, डिज़ाइन करती है ताकि सस्ते और महंगे में अंतर किया जा सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 7 से 8 लाख रुपये में मिलने वाली गाड़ियों के पार्ट्स उठाकर 20 लाख रुपये की गाड़ी में लगा दिए गए हैं। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, ये गाड़ी बाहर से देखने में काफ़ी बड़ी लगती है लेकिन जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड रो की, पीछे की सीटों की, तो वहाँ पर आपको हेडरूम काफ़ी कम मिलता है। अगर आपकी हाइट 6 फीट या उसके आसपास है तो आपके बैठने पर या तो बाल या फिर सर टकरा रहा होगा ऊपर। इसके अलावा नी रूम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, एवरेज ही मिलता है। और पीछे की सीट पर 3 लोग कंफर्टेबली बैठ के लॉन्ग राइड पर नहीं जा सकते, पीछे की सीट सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ठीक है। जबकि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की बात करें जो देखने में भले ही इससे छोटी लगती हों, उनके रियर सीट पर आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, फिर चाहे हेडरूम की बात करें, नी रूम की या फिर शोल्डर रूम की। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट, वैसे तो मारुति हर बार फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी शानदार तरीके से करता है लेकिन इस बार ही कुछ कमियाँ छोड़ दी हैं, जैसे कि अगर किसी को ऑल व्हील ड्राइव वेरियंट चाहिए तो उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन में। अगर वो चाहे कि ऑल व्हील ड्राइव मिल जाए और साथ में टॉप वेरिएंट वाले फीचर्स भी मिल जाए तो वो ऑप्शन कस्टमर के पास है ही नहीं। इसके अलावा अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड का टॉप वेरिएंट अल्फा खरीदते हैं तो कहने को तो आप टॉप वेरिएंट खरीद रहे हो लेकिन आपको टॉप वेरिएंट वाले फीचर्स नहीं मिल रहे होंगे। मेरा मतलब है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का जो टॉप वेरिएंट अल्फा है उसमें सारे फीचर्स दिए गए हैं लेकिन स्मार्ट हाइब्रिड के टॉप वेरिएंट अल्फा में आपको काफ़ी फीचर्स कम मिल पाते हैं, जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, पडल लैंप्स नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स, हेडअप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, प्रीमियम साउंड सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे फीचर्स आपको टॉप वेरिएंट खरीदने के बाद भी नहीं मिल पाते। सिक्स्थ नेगेटिव पॉइंट, हालांकि ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बेसिक सा है लेकिन बताना तो पड़ेगा ही, इसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी मिलती है लेकिन सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में आपको और भी बेहतर टेक्नोलॉजी कहूँ या फिर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि क्रेटा और सेल्टोस में DCT के साथ में आपको इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, टाइगन और कोशैक में टॉर्क कन्वर्टर के साथ DCT भी दिया हुआ है, हेक्टर में CVT के साथ साथ DCT भी मिल जाता है। सेवंथ नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में आपको सेगमेंट की सबसे छोटी बूट स्पेस मिलती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदते हो तो सिर्फ 265 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, मतलब कि एक हैचबैक बराबर, और अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड खरीदते हो तो आपको 355 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, मतलब कि एक सब कॉम्पैक्ट SUV के बराबर। सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में कितनी बूट स्पेस मिल जाती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एट्थ नेगेटिव पॉइंट, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में नहीं मिल पाते लेकिन सेगमेंट की किसी ना किसी गाड़ी में मिल जाते हैं, जैसे कि एडास इसमें नहीं है लेकिन एस्टर में मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसमें नहीं है लेकिन क्रेटा, सेल्टोस, टाइगोन, कोशैक, हेक्टर सब में मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट इसमें नहीं है लेकिन सेल्टोस, टाइगोन, किक, एस्टर, हेक्टर सब में दिया हुआ है, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स इसमें नहीं है लेकिन सेल्टोस और हेक्टर में मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसमें नहीं है लेकिन क्रेटा, सेल्टोस, एस्टर, हेक्टर सब में मिल जाती है, 4-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट और 1-touch down ऑल विंडोज इसमें नहीं है लेकिन हेक्टर में मिल जाती हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स इसमें नहीं है लेकिन क्रेटा, टाइगोन, कोशैक, किक्स और हेक्टर में दिया गया है, रेन सेंसिंग वाइपर्स भी इसमें नहीं है लेकिन सेल्टोस, टाइगोन, कोशैक, एस्टर और हेक्टर में मिल जाते हैं। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में 9 इंच की टच स्क्रीन दी गई है जबकि हेक्टर में 10.3 इंच की, क्रेटा सेल्टोस में 10.25 इंच की, एस्टर में 10.1 इंच की और टाइगोन में 10 इंच की स्क्रीन दी गई है। इसी तरह से इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मैक्सिमम 6 स्पीकर्स मिलते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है लेकिन सेगमेंट में मिलने वाली क्रेटा, सेल्टोस और हेक्टर में आपको 8 स्पीकर तक मिल जाते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी है। फॉग लैम्प्स इस गाड़ी में मिलते ही नहीं है जबकि सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में मिल जाते हैं। 9th नेगेटिव पॉइंट, सेगमेंट का सबसे बेकार वारंटी ऑफर इसी गाड़ी में दिया गया है। इसमें आपको सिर्फ 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है जबकि इसी की कज़न हाईराइडर में भी आपको 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी दी गई है और सबसे अच्छी वारंटी मिलती है आपको हेक्टर में 5 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की। तो ये थे इस गाड़ी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। अब यहाँ से आप काफ़ी आसानी से फैसला ले सकते हैं कि ये गाड़ी आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।